look at the leaves. Leaves? Hi guys, welcome back to my channel. और आज जैसे कि अब दिसंबर मंथ शुरू हो चुका है तो मैं आपके लिए कोई एक स्पेशल वीडियो लाई हूँ जिसमें कि मैं आपको सारी पार्टी ड्रेसेस दिखाऊंगी जस्ट फॉर यू पार्टी पीपल. ड्रेसेस दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस मैंने लुलू एंड स्काई से मंगाई थी जस्ट फॉर ₹299. इट्स अ वेरी नाइस मटीरियल. सिंथेटिक मटीरियल है, मिक्सड मटीरियल है, पॉलिएस्टर. बट मुझे काफ़ी पसंद आया था इसका प्रिंट. ऐसे हल्के फुल्के टाइम के लिए पहनने के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे. एंड मैंने सोचा कि आज मैं इसी में एक वीडियो बना देती हूँ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इट आउट लाइक अदर ड्रेसेस. और कैजुअल आउटिंग के लिए भी आप पहन सकते हो. जस्ट आप इसके साथ शूज़ डाल लो, नॉर्मल स्पोर्ट शूज़, एंड आप अपने नॉर्मल किटन हील्स भी पहन सकते हो इसके साथ, हल्की सी एक्सरसाइज कर लो. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. एंड अगर आपको चाहिए तो आप इसके साथ इसको लेयर कर सकते हो विद अ श्रग, विद अ ब्यूटीफुल श्रग. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर आपको चाहिए तो आप वैसे उसको स्टाइल कर सकते हो. इसका मैंने साइज़ एल मंगाया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम्फर्टेबल साइज़ चाहिए था. एंड अच्छा खासा इसमें अभी भी जगह है. तो अगर आपको फिटिंग वाली ड्रेस चाहिए तो आप एक साइज़ स्मॉल मंगा सकते हैं. दिस इज़ एल. नॉर्मली मैं मीडियम पहनती हूँ. मैंने एक साइज़ ऊपर मंगाया था. इस ड्रेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. वैसे हो सकता है ये अब सोल्ड आउट हो गई हो क्योंकि इतने अच्छी डील इतने कम प्राइस में मिल रही थी, इतनी अच्छी ड्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अवेलेबल होगी. बट आई विल गिव यू द लिंक. आज की पहली ड्रेस है, बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है. लुक, इट्स अ ब्लू कलर. इट्स अ सैटन ड्रेस. मुझे बहुत प्यारा कपड़ा लगा. स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स हैं एंड बेल शेप टाइप है. प्लंजिंग नेकलाइन है, वी नेकलाइन. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मेरे को वी नेकलाइन काफ़ी पसंद आती है, तो मैंने इसमें भी वही पसंद किया. इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी इसमें आगे यहाँ पर नॉट बांधने के लिए था जो कि इसको बहुत ही प्यारा लुक देता है. और ये एकदम पीछे से ऐसी है, कवर्ड पूरी. थोड़ा सा इधर यहाँ पर उन्होंने इलास्टिक टाइप दिया हुआ है ताकि आपकी वेस्ट लाइन के लिए एकदम परफेक्ट फिट हो जाए. एंड स्ट्रेट फिट है. इट्स अ शिफ्ट ड्रेस, मिनी ड्रेस. और इसको मैं आज आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी. इसको कैसे हम कोई नाइट पार्टी में आप जा रहे हो तो कैसे पहने. वैसे भी अभी बहुत सारी पार्टीज आने वाली है. क्रिसमस आ रहा है, आपकी ऑफिस पार्टीज होंगी, आपकी न्यू ईयर पार्टी होगी और आपकी सोसाइटी पार्टीज होंगी. बहुत सारी पार्टीज होती रहती हैं. आई नो आप लोग सब जाते होंगे. तो मैं इस ड्रेस को उस टाइप की पार्टीज के लिए आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी. सो लेट्स वेयर इट एंड स्टाइल इट. टाडा, देखो लुक, कितनी सुंदर ड्रेस है. कलर इतना प्यारा है, इतना निकल के आ रहा है. और स्लीव्स इसकी इतनी प्यारी लग रही है. और इसका मटेरियल जो है ना इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा लग रहा है. नेक्स्ट टू स्किन, जैसे सैटन आपकी लगती हैं सारी ड्रेसेस, एकदम वही लग रहा है. फिटिंग बहुत प्यारी आई है, बहुत ही अच्छी. तो इसमें वी नेकलाइन बहुत प्लंजिंग थी तो मैंने क्या किया, इसमें अंदर एक ट्यूब पहन लिया है. जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो अंदर एक ब्लैक ब्रा नॉर्मल पहन सकते हैं, ब्लैक लॉन्जरे पहन सकते हैं. नेट वाली पहनोगे तो और प्यारी लगेगी. मेरे पास थी नहीं अभी तो मैंने पहनी नहीं, मैंने उसकी जगह ट्यूब पहन लिया है. नॉर्मली आप कोशिश करो जब भी आप सैटिन की कोई भी ड्रेस पहन रहे हो तो उसमें या तो आप लॉन्जरे ऐसी पहनो कि वो सीमलेस हो, या फिर उसमें इनर वेयर ज़रूर पहनो, शेप वेयर. क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है ना, सैटिन की जितनी भी ड्रेसेस होती है ना, आपकी बहुत फिगर हगिंग होती है, आपकी बॉडी पे एकदम चिपक जाती है. तो जो पैंटी लाइंस होती हैं, ब्रा लाइंस होती हैं, वो सब दिखती है, विजिबल होती है. तो कोशिश करिए कि जब भी आप सैटिन की कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, कोई भी चीज़ पहन रहे हो, तो उसके साथ सीमलेस लॉन्जरी पहनो. दूसरी चीज़, नॉर्मली जब भी आप ऐसी ड्रेसेस पहनते हो, पार्टी में जाते हो, तो कोशिश करो न्यूड कलर ब्रा पहनने की, या फिर आपकी कोई कॉन्ट्रास्टिंग आपकी ड्रेस से मैचिंग ब्रा हो, जिससे कि अगर कभी वो शो भी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो ख़राब नहीं लगता है. सो दीज वर द टू टिप्स. तो अब हम इसको स्टाइल करके दिखाएंगे. मैं आपको इसको एक्सेसराइज कैसे करना है, कैसे सोच सकते हैं हम इसको एक्सेसराइज करने का, आई विल हेल्प यू विद दैट. तो इसमें हम दो टाइप से सोच सकते हैं.
गोल्ड ज्वेलरी तो सबके साथ अच्छी लगती है पार्टी में. नॉर्मली हम लोग गोल्ड रिलेटेड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं, बट टू पॉप अप दिस ड्रेस हम लोग इसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी पहनना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी. तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, या तो मैं इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनूँ, या फिर मैं इसके साथ वाइट ज्वेलरी पहनूँ, या फिर मैं इसके साथ डायमंड की रिलेटेड कोई ज्वेलरी पहनूँ. तो मेरे पास एक नेकलेस है, नेक पीस है, विच आई थिंक इसके साथ एकदम एप्ट रहेगा. सो लेट्स वेयर इट एंड स्टाइल इट. ये मेरा पीस है, नेक पीस है. इट्स अ थ्री लेयर्ड नेकलेस, पर्ल नेकलेस. वाइट है, पर्ल है, तो ये मेरे ड्रेस को बहुत पॉप करेगा, कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा. एंड प्लस मेरे पास प्लंजिंग नेकलाइन है, तो आई वुड से कि आपकी लेयर्ड नेकलेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ. एंड इसमें जो है सिल्वर के साथ है, तो हमें कोशिश करनी है कि सारा मैं इसमें मेटालिक एंड सिल्वर ही रखूँ. सो लेट्स वेयर दिस. बहुत ही पॉपअप कर रहा है मेरी ड्रेस को, और ऐसा भी नहीं है कि सारा ध्यान इधर ही जा रहा हो, बिकॉज प्लंजिंग नेकलाइन में नॉर्मली कैसे होता है कि आपका सारा सामने वाले का ध्यान प्लंजिंग नेकलाइन पे जाता है. तो जब हम ऐसे लेयर्ड नेकलेस डालते हैं तो प्लंजिंग नेकलाइन जो होती है वो थोड़ी डिफ्यूज हो जाती है, तो उसका एकदम ध्यान उस पर ना जाके आपका पूरा ओवरऑल आउटफिट आपके फेस की तरफ और बाकी जगह भी जाता है. तो बेसिकली आप लेयर्ड नेकलेस को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ द वे आई हैव यूज्ड इट. और इसके साथ अब मैं मैचिंग ईयरिंग पहनूंगी. बहुत ज़्यादा हैवी ईयरिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिंस मेरे बाल ओपन है, और अगर आप ओपन रख रहे हैं बाल तो ईयरिंग अगर आप छोटे भी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा. और जब आप नेक पीस पहन रहे हैं तो कान में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट लेस इज़ मोर. मिनिमलिस्टिक आप रहेंगे जितना उतना अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, एंड सारा ध्यान आपकी ज्वेलरी वगैरह पर ना जाकर आपके ऊपर रहता है. तो मेरे पास ये ईयरिंग्स हैं, पर्ल ईयरिंग्स हैं और मेटेलिक हैं यहाँ पर सिल्वर कलर के, तो विच विल मैच विद माई नेक पीस. तो मैं इसको पहनूंगी. नॉर्मली मैं जब अगर जा रही होती कहीं तो मैं शायद कान में कुछ पहनती भी नहीं, लेकिन अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ तो आई वुड से कि मैं प्रेफर करूँगी कि मैं कान में भी कुछ पहनूँ, चाहे छोटा सा ही सही. अगर आपको कुछ चाहिए तो नहीं चाहिए तो आप छोटे से पर्ल के स्टड्स आते हैं वो भी आप पहन सकते हो. पार्टी में थोड़ा एक्स्ट्रा जब आप करते हो पार्टी में तो आपको पसंद आता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. अगर आपके स्ट्रेट हेयर्स हैं, आप स्ट्रेट करे हुए हो, तो आप पूरे कान के पीछे करके, ईयर के पीछे करके, लाइक स्ट्रेट, एंड आपका ये इस टाइप का लुक हो जाएगा. लेकिन अगर आपके कर्ली बाल हैं तो आप इसमें आगे ऐसे कर सकते. नॉर्मली तो मैं आपको नहीं बोलती कि आप कुछ हाथ में पहनो, बिकॉज इसकी स्लीव्स ही सारा कवर कर ले रही है, बट हम लोग सिंस पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जगमगाना तो बनता है ना. तो मैं ये हाथ में एक बहुत ही स्लीक सा ब्रेसलेट है वो पहनूंगी. ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था. अगर मेरे पास इसका लिंक अवेलेबल होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो ये कुछ इस तरीके का लगेगा आपका ब्रेसलेट. ये बहुत पसंद है, लाइट स्लीक और बहुत ही प्यारा लगता है हर के साथ, ड्रेस के साथ. एंड एक ये रिंग, तो मेरी ज्वेलरी के हिसाब से आई एम ऑल डन. एंड दिस इज़ द लुक. अब हम लोग शूज़ पे जाएंगे, फुटवेयर. फुटवेयर में मेरे को दो ऑप्शन मिले. एक तो ये है मेरे बूट्स, जो कि एक्चुअली इस ब्लू कलर के साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं, यू कैन सी दिस. लेकिन मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि इन बूट्स के साथ मेरा जो मैंने अभी ज्वेलरी एक्सेसराइज करी है वो शायद इसके साथ मैच ना करे. कभी कभी ना अनमैच चीज़ें भी बहुत अच्छी लग जाती हैं. तो लेट्स ट्राई इट वंस, तो देखते हैं कैसा लगता है. ये शूज़, मेरे बूट्स जो हैं, ये मैंने देहरादून से लिए थे. शू ट्री करके कुछ है देहरादून में, वहाँ से लिए थे. अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा लग रहा है. अगर मेरे को जाके सिर्फ डांस करना है किसी पार्टी में तो आई कैन श्योरली वेयर दिस. लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि टू मैनी कलर्स डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है थोड़ा. तो जैसे अब इसमें ब्लू है, मेरे यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी है, इसमें वाइट है, इसमें ब्लैक है, और फिर ग्रे भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे.
तो उससे अच्छा है मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन है. दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा आउटलुक है, बहुत प्यारा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन इसको हम और स्टेप अप कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू कि हम इसके साथ और कौन से शूज़ पहन सकते हैं, फुटवेयर पहन सकते हैं टू स्टेप द ड्रेस अप. तो ये मेरी बहुत ही प्यारी और सोफिस्टिकेटेड सी फुटवेयर है, मुझे बहुत पसंद है. इसकी हील्स भी बहुत प्यारी है, मैंने काय स्टोर से खरीदी थी. मेरी और भी वीडियोज़ में मैंने इसको दिखाया है, स्टाइल किया है इसको अलग अलग ड्रेसेस के साथ. एंड मैं बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में भी विश्वास रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही फुटवेयर, एक ही वो चीज़ हम कई बार वेयर कर सकते हैं. तो इसको मैं इसके साथ वेयर करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा इसको स्टेप अप कर रहा है इस ड्रेस को, और ये मेरी सारी ज्वेलरी एंड ऑल के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. तो लेट्स सी. सो दिस इज द फुटवेयर आई वाज टेलिंग यू अबाउट. अब देखो ये पूरी ड्रेस का लुक कितना चेंज हो गया, लाइक एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कितने सारे कलर्स हैं, कुछ अलग सा लग रहा है. और आप कंफर्टेबल भी हो और आप जो है अच्छे से इसमें डांस भी कर सकते हो और पार्टी कर सकते हो. इसके साथ आप एक कोई ब्राइट लिपस्टिक लगा सकते हैं एंड थोड़ा अच्छे से स्किन को टचअप करके, बहुत सारा ब्लश लगा के आप एकदम पार्टी रेडी हो गए हो. आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं इन सब का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम लुलू एंड स्काई, और इसका जो प्राइस है या और जो डिटेल्स जो भी आपको चाहिए, तो मैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. बाय. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस. सेकेंड वन इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रिटी ड्रेस. और मैंने सोचा कि हम लोग पार्टीज जाते हैं, सब कुछ है, शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग ड्रेस लाई हूँ. सो दिस इज़ द ड्रेस. बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये, मैंने मिंत्रा से मंगाई है. नाउ विल वेयर इट एंड स्टाइल इट. टडा. सो दिस इज़ माय सेकंड ड्रेस. इसमें काफ़ी प्यारा स्लिट है. आजकल स्लिट्स आर इन फैशन, तो जितनी भी ड्रेसेस हैं सब में स्लिट्स मिल रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि ये फैशन दोबारा आया है. तो मुझे बहुत पसंद है. एंड दिस इज़ द ड्रेस. मैंने मिंत्रा से ली थी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो. और मैंने इसके बारे में एक हॉल भी बनाया हुआ है, मिंत्रा हॉल, आप वो भी चेक कर सकते हो. तो ये हम लोग रात को जो पार्टीज होती है, न्यू ईयर पार्टी होती है, क्रिसमस पार्टी है, या कोई भी पार्टी है आपकी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कॉकटेल पार्टी, आप उसमें पहन सकते हो. मैंने साइज़ मीडियम मंगाया था, मुझे इसकी लेंथ बहुत अच्छी लग रही है, फॉल बहुत प्यारा है इसका. दी ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस वॉज कि इसका जो नेक था मेरे को थोड़ा ऊपर से लूज़ हो रहा था, लाइक यहाँ से फिटिंग बहुत प्यारी है बट इधर से लूज़ है. तो मैंने उसको यहाँ पर टेप किया हुआ है. ये टेप मैंने फॉरएवर न्यू से लिया था एंड वहाँ पर कुछ 1000 rupees का कुछ मिला था. तो यू कैन चेक दैट आउट, इट्स अ बॉडी टेप. तो उससे क्या होता है कि कहीं पर भी आपको अगर लग रहा है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, झुकने में लूज हो रहा है, तो वो एकदम बॉडी पे एकदम फिट जाता है. तो अभी वो एकदम फिट होके बैठा हुआ है एंड इट्स लुकिंग वेरी ग्रेसफुल एंड नाइस. अभी मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊँ. सो फॉर पार्टी पर्पज़ मैं इस ड्रेस में या तो गोल्ड की साइड में जा सकती हूँ, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं फॉर पार्टी वेयर, लेकिन दूसरी साइड मैं शिमर, स्पार्कली, इस टाइप की ज्वेलरी प्रेफर करूँगी. तो हम दोनों तरीके से इसको स्टाइल करके देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है एंड देन वी विल कैरी फॉरवर्ड विद दैट. तो मेरे पास ये दो नेकलेस हैं, एक जैसे मैंने बोला थोड़ा गोल्ड एंड पर्ल वाले उसमें है जोन में, और एक थोड़ा ग्लिटरी शिमरी डायमंड्स वाले जोन में है. तो अभी मैं इन दोनों को स्टाइल करके दिखाती हूँ और देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये मैंने पहन लिया है, इट्स लुकिंग नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है इसके साथ. मैं किसी अगर ट्रेडिशनल ओकेजन के लिए जा रही होती तो मैं ये ज़रूर प्रेफर करती, बट मुझे थोड़ा ये हैवी लग रहा है फॉर अ पार्टी पर्पज़. तो लेट्स सी कि वो दूसरा वाला कैसा लगता है. तो ये है
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, क्योंकि मैं जिस टाइप की पार्टी में जा रही हूँ उसमें ये ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा। आपका डिपेंड करता है, मुझे वो भी बहुत पसंद आ रहा था बट वो थोड़ा ट्रेडिशनल की तरफ ज़्यादा जा रहा था, ये वाला थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ। अब हम इसको और एक्सेसराइज करेंगे तो उसके बाद इसका लुक और ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ, ये दो ब्रेसलेट है मेरे पास, ये तो इस सेट का ही है, ये थोड़ा अलग है बट इसके साथ मैच हो रहा है तो मैं अभी यही पहन लूँगी इसके साथ। दूसरे हाथ में प्लेन ये हमारा हेलो। अभी मुझे लेकिन लग रहा है कि थोड़ा कान में मैं कुछ पहन सकती हूँ, इसके थोड़े इयररिंग्स भी हैं, एक ये इसके सेट के ही इयररिंग्स हैं मैचिंग, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। जब हम पार्टी में जा रहे होते हैं तो ये होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलता है, और आफ्टर ऑल हमको सब में अलग भी तो दिखना है। सो कीप शाइनिंग एवरीबॉडी, कीप शाइनिंग। तो ये मैंने एक्सरसाइज कर लिया। ड्रेस को और स्टेप अप करने के लिए ना आप ये वाली जो लाइन दिखती है ना इसको आप हाइड कर सकते हो। कैसे? एक कोई आप इसी टाइप की कोई बेल्ट हो आपके पास जो आपकी मैचिंग हो आपकी ज्वेलरी से, वो आप पहन सकते हो। अभी मेरे पास ऐसी है नहीं बट कभी अगर होगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो उससे जो है ना ड्रेस और ग्लैम लगने लगती है और अच्छी लगने लगती है एंड एक एक्स फैक्टर आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ माई होल लुक इज़। अभी हमारा टाइम है फुटवेयर्स का। अगर आपको चाहिए तो आप हेयर डू में भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल कर सकते हैं, बन बना सकते हैं, और अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो आप उसको सिर्फ ईयर्स के पीछे करके ताकि आपके थोड़े ईयररिंग्स भी दिखें और पूरा लुक दिखे आपका। मेकअप में आप लिपस्टिक थोड़ा ब्राइट लगाना क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग लिपस्टिक बहुत प्यारी लगती है। रात में नाइट पार्टीज में वैसे भी डार्क कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप देख सकते हो कि कैसे करना है। मैंने यहाँ पर हल्की लगाई है बिकॉज मेरी जो पार्टी है मेरे को उसमें लग रहा है कि मेरे को ये वाली ज़्यादा बेटर लगेगी, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं अपने इस पूरे लुक के साथ मैं अपनी ज्वेलरी से मैच कर रही हूँ अपने फुटवेयर को। मैंने ये पहले भी पहने हैं और ये मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसके साथ बेस्ट जाएंगे। सो बहुत कंफर्टेबल है, हील भी अच्छी है इसकी, तो मुझे अच्छी हाइट देने के साथ साथ मेरा पोस्चर वगैरह भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, दीज आर द शूज़, इसके साथ अच्छे लग रहे हैं। आपको चाहिए तो आप एक गोल्ड एंकलेट भी अपने या मैचिंग एंकलेट्स भी डाल सकते हो इसके साथ, मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। एंड स्लिट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। दिस इज़ द होल लुक। सो दिस इज़ द होल लुक एंड वी आर रेडी टू स्ले द पार्टी। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रेस। तो मैंने बेस्ट ड्रेस जो है वो लास्ट के लिए रखी थी। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी ड्रेस है, ये मैंने लुलू एंड स्काई से मंगाई है। सीक्वेंस वर्क है पूरा और इसमें सरप्लस नेकलाइन है, बहुत ही प्यारी, और पीछे से क्रिस क्रॉस है, और ये स्केटर ड्रेस है। स्केटर ड्रेस नॉर्मली स्निच्ड होती हैं आपके वेस्ट लाइन पे एंड नीचे से ए शेप में थोड़ा फ्लेयर वाली होती है, तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये। कोई एकदम अच्छी सी पार्टी में जाना है आपको, कॉकटेल पार्टी में जाना है या आपको न्यू ईयर पार्टी में जाना है, तो ये मुझे एकदम परफेक्ट लगी थी उस चीज़ के लिए। बहुत ही प्यारा कलर है, वर्क अच्छा है, अंदर इनर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है उन्होंने, न्यूड शेड का दिया है, मटीरियल वाइज बहुत अच्छा है। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, अपनी नॉर्मल ब्रा पहनी है, न्यूड शेड की लॉन्जरी पहनी है, और उसको मैंने उसके स्ट्रैप्स जो हैं उसको मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया है ताकि पीछे से वो क्रिस क्रॉस के उसमें आ सके। तो इफ यू गाइस कैन सी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आप ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स ले सकते हो या कुछ सीक्वेंस वाले स्ट्रैप्स ले सकते हो और उसको पीछे से क्रिस क्रॉस करके यूज़ कर सकते हो इसके लिए। तो नाउ सिंस आई एम वेयरिंग इट, नाउ विल स्टाइल इट। तो मैंने ये इयररिंग्स मैं इसके साथ पेयर अप करूँगी। इसमें सेम वर्क के कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं तो इसके साथ बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो मैं इसके साथ आपको पेयर करके दिखाती हूँ इसको। सिंस हम लोग जिस पार्टी में जा रहे हैं उसमें मेरे को थोड़ा मिनिमलिस्टिक
रहना है। उससे क्या होता है ना कि जैसे अगर आप डांस करते हो या कुछ करते हो तो आपको ये नहीं होता कि आपकी ज्वेलरी इधर जा रही है उधर जा रही है, तो इसके लिए जितना मिनिमलिस्टिक हो सके उतना मिनिमलिस्टिक करना चाहिए। ये है मेरे इयररिंग्स, इसके साथ परफेक्ट लग रहे हैं। सिंस ये ड्रेस इतनी शाइनिंग मटेरियल की है, सीक्वेंस वर्क वाली है, सो राइट नाउ आई एम अवॉइडिंग एनीथिंग टू वेयर इन माई नेक, तो मैं कुछ नहीं पहनूंगी। बट अगर आप चाहो तो कुछ सटल सा एकदम पतली चेन वाला कुछ आप डाल सकते हो आपकी मैचिंग इयररिंग से, या फिर आप कुछ गले में ही पहनो, कान में कुछ मत पहनो इफ़ यू आर ओपनिंग योर हेयर। सो दीज आर द इयररिंग्स एंड आई विल बी पेयरिंग इट अप विद दीज रिंग्स। ये मैंने बहुत पहले जब क्लब फैक्ट्री हमारे यहाँ चल रहा था तब मंगाई थी, तो अभी भी आ रही चल रही है मेरी ये। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। सिंस इसमें जो वर्क है वो रोज गोल्ड है, तो मेरे पास ये एक ब्रेसलेट था है, तो मैं ये इसके साथ पेयर करूँगी। एंड ये दो वैसे तो मेरे एंकलेट्स हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा जुगाड़ करके एज अ ब्रेसलेट यूज़ करूँगी। ब्रेसलेट को, दोनों ब्रेसलेट के हुक्स को आपस में अटैच कर दिया है एक का दूसरे में, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड ये आपका ब्रेसलेट तैयार हो गया एंकलेट से, तो दिस इज़ द लुक आप एक्सरसाइज करने के बाद। अब हम लोग जाएंगे फुटवेयर। सिंस ये ड्रेस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस वर्क वाली है, तो मैंने शूज़ को एंड एक्सेसरीज़ को थोड़ा टोन डाउन किया हुआ है ताकि मेन हाईलाइट मेरी ड्रेस ही रहे, सबका ध्यान ये बैग ड्रेस पर ही जाए। ये मैंने लावी से लिया है एंड ये परफेक्टली जाता है इस ड्रेस के साथ। तो दिस इज़ माई होल लुक एंड आई एम रेडी। चलो।